नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। रीवा जिले में इन दिनों तथाकथित वसूलीबाज पत्रकारों की लगातार कलई खुल रही है। जिले में एक संगठित गिरोह चल रहा है जो कई अवैध कार्यों के साथ साथ आपराधिक कृत्य में भी सम्मिलित है। ऐसा ही एक मामला तब उजागर हुआ जब विगत दिनों युवती ने सिविल लाइन थाना पहुंचकर जानकारी दी। हालांकि उसका मुंह दबाने का भी प्रयास किया गया, धमकियां मिली, उसके ऊपर राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव भी बनाया गया, लेकिन पीड़िता को दबाया नहीं जा सका। जिसकी खबर विराट 24 न्यूज के द्वारा प्राथमिकता से दिखाई गई, तो एक और महिला थाना पहुंची है और एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से न्याय की गुहार लगाई है। दोनों ही महिलाओं ने एक साथ एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा को बताया कि आरोपी प्रद्युम्न शुक्ला अपने साथियों के साथ जहां क्षेत्र में पैसों की वसूली करता है, तो वहीं उसका चरित्र भी गिरा हुआ है, जिसके द्वारा अनैतिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया जाता है। इनकी शिकार कई महिलाएं हो चुकी हैं। मऊगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने बताया कि हमारे गांव की एक और युवती है जो इससे पीड़ित है, लेकिन उसका कहना है कि अगर वो सामने आएगी तो उसकी बदनामी होगी और पुलिस कार्रवाई भी नहीं करेगी, क्योंकि इनके साथ एक संगठित गिरोह चलता है। महिला ने बताया कि अगर पुलिस प्रद्युम्न शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज कराती है तो कई महिलाएं और सामने आकर शिकायत दर्ज कराएंगी। पीड़िता ने बताया कि उमेश मिश्रा नाम का पत्रकार अपने साथी प्रद्युम्न शुक्ला के साथ उसे ब्लैकमेल कर रहा है, उसे तरह तरह की धमकी देता है। पीड़ित महिलाओं ने अपना दुख बयां करते हुए बताया कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो कभी भी उनके साथ कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। एक तरफ दूसरी महिला ने आकर आरोपी के खिलाफ पुलिस के सामने अपबीती बताई, तो वहीं पहले से पीड़ित युवती ने बताया कि अभी भी उसके साथ प्रद्युम्न शुक्ला, अमर मिश्रा, उमेश सिंह के साथ उसके अन्य साथी थाना आते समय उसे रास्ते में धमकियां दे रहे हैं, कान में मोबाइल लगाकर उसे गाली देते हैं और देख लेने की बात कहते हैं। इतना ही नहीं, पुलिस भी पत्रकारों के दबाव में आकर समझौता करने की बात कह रही है। हालांकि पीड़िताओं ने शिव कुमार वर्मा और पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने मऊगंज क्षेत्र की रहने वाली महिला की शिकायत महिला थाने में दर्ज कराने की बात कही है। वहीं सिविल लाइन थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती जो कई दिनों से अधिकारियों के दरवाजे भटक रही थी, उसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराने की बात कही है। देखने वाली बात अब ये होगी कि पुलिस पीड़ित महिलाओं को न्याय दिला पाती है या फिर दबाव में आकर मामले को कुछ दूसरा मोड़ दे दिया जाता है। आइए आपको सुनाते हैं दोनों पीड़ित महिलाओं के साथ एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा को कि पूरे मामले में लेकर क्या कहा गया है। आज अभी आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं, कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, क्या कारण है, कहे के लिए आए हैं? सर, जो मैंने जो भी मुकदमा दायर किया था उस पर अभी आज तक कोई FIR हुई नहीं है और वो खुलेआम घूम रहा है, और आज भी उसको बुलाया गया थाने में, तो वो बस हमसे और उससे एक आगे का शपथ पत्र सिग्नेचर कर दीजिए और आपसी सहमति से सब कुछ ख़त्म कर दीजिए। आप ना इनको परेशान करें ना आप उनको परेशान करें, लेकिन वो जितना उसने मेरे बदनामी करनी थी कर ली, जितना परेशान करना था कर लिया, अब मुझे क्या परेशानी है? उसको तो कोई सज़ा मिली नहीं, हो तो आराम से निकल गया, जैसे वो पहले अपनी ज़िंदगी जी रहा था वैसे आज भी जी रहा है। परेशानी तो मुझे हुई, मैं कल भी झेल रही थी, आज भी झेल ली और आने वाले समय भी उसके द्वारा झेली जाऊँगी। किसके द्वारा दबाव बनाया जा रहा है? ये TI हैं और वहाँ की SI हैं, मैम हैं, उन्होंने कहा कि आप शपथ पत्र आप इसी सहमति से कर लीजिए, उसके बाद आप दो एक दूसरे को ना परेशान करिए। तीन लोगों के खिलाफ आपने आरोप लगाया था, दो पत्रकार थे और अपने आप पत्रकार जी था। जी, उनको भी बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा, उनका भी नाम उनका तो कह रहे हैं कि कोई नाम ही नहीं उनका, तो कोई हमको आज तक कोई वो सबूत ही नहीं मिले उनके खिलाफ, तो उनके तो कोई गिनती ही नहीं है। और एक बार जिसके खिलाफ मिला है तो उसके खिलाफ तो कह रहे हैं कि वो हो गया, आप शपथ पत्र साइन कर लीजिए बस। यह भी बोला जा रहा था कि पत्रकारों का नाम हटा दो तो FIR। हाँ, बस ये कि उन्होंने कहा कि दो पत्रकारों के नाम हटा दीजिए तो फिर शायद आपका ये FIR दर्ज हो सकता है। थोड़ा बहुत जबरदस्ती आपसे मतलब जी जी अब क्या चाहते हैं जी? हम चाहते हैं कि FIR दर्ज हो, सही तरीके से सज़ा मिले, मेरी जिंदगी जो खराब की आने वाले समय में और किसी की ना खराब हो। कौन सी मैडम है जिन्होंने किया, उनका क्या नाम था? वंदना शर्मा मैम है। अभी आप कहाँ आई हैं? अभी मैं SP सर के ऑफिस आई हूँ। पहले भी आ चुकी थी? पहले भी आ चुकी हूँ दो बार। क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन उन्होंने कहा कि आप TI सर से मिल लीजिए। TI सर ने तो थोड़ा सा ये किया कि हाँ आप ठीक है, आप अगर आपसी सहमति तो आप कर लीजिए, लेकिन आपसी सहमति मुझे नहीं चाहिए। अब क्या चाहती हैं? मुझे इसके ऊपर सख्त कार्रवाई और सज़ा चाहती हूँ मैं उसकी। अभी दबाव तो मेरे ऊपर लगातार बना हुआ, मैं कैसे इधर उधर सर्वाइव कर रही हूँ मैं ही जान रही हूँ।
तीनों आरोपी मेरे ऊपर बराबर दबाव बनाए हुए हैं, जिनके कोई भी मतलब अपने आप को संभालने को तैयार नहीं है। और मैम लोग कह रही हैं कि वो लोग सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग लगातार मुझे परेशान कर रहे हैं। धमकी तो पहले भी दी जा रही थी, अब तो और भी ज़्यादा, लेकिन ये है कि अब इनडायरेक्टली दी जा रही है ताकि उनके ऊपर कोई केस ना बने। लेकिन धमकी, दबाव, गाली गलौज सब कुछ हो रहा है। किस तरह का दबाव बना रहे हैं, क्या डर है आपको? केस वापस लेने का और मुकदमा न दायर करने का, FIR न करने का, सारा कुछ। तीनों आरोपियों की तरफ से पत्रकारों का जी जी पुलिस तो अब ये तो वो जाने से सहयोग करें कि नहीं, लेकिन नहीं, मेरी FIR नहीं दर्ज हो रही, इतना मुझे साफ साफ दिख रहा है। आज 15 से 20 दिन हो गए। क्या है कि हमारे साथ वो जो US पत्रकार है तो मतलब बार बार छेड़खानी करता है और बार बार धमकी देता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे आपके साथ, और नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वही तुम करो। तो मैंने बोला कि ये काम नहीं करूँगी। तो बोला कि हम हनुमाना जाते हुए पाएंगे, रीवा आते हुए पाएंगे, SP ऑफिस अगर आज जाएंगे तो हम गली में ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। फिर भी मैंने बोली कि हम जाएंगे, आप जो करना हो तो कर लीजिए। उमेश पत्रकार, उमेश मिश्रा हैं, और उसके साथ एक प्रदुम शुक्ला था। कहाँ के हैं ये? अब ये तो जो हमें मालूम ज़्यादा नहीं है, पर यहाँ का है, मऊगंज का रहने वाला है। किस कारण से आप दबाव बना रहे हैं, क्या कहने के लिए कहते हैं, क्या शारीरिक संबंध बनाने के लिए कह रहे हैं? शारीरिक संबंध के लिए ही बात हमारे ऊपर मतलब छेड़खानी करता है बार बार। हमारे हम लोगों से बात, अगर हम लोग हनुमाना जाते हैं तो वहाँ बोलता है कि हाँ आओ, तुम अगर हमसे मिलेगी नहीं तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। फिर भी हम लोग मतलब उनकी हर बातें बर्दाश्त कर रही हूँ। कब से चल रहा है ये? आज मतलब 4-5 महीने हो गया। शिकायत की थाने में? जी, हम SP साहब के पास दिए थे आवेदन। फिर भी हाँ, SDOP के दिए थे और थाने में आवेदन दिए। फिर वहाँ क्या कहते हैं, चौकी में, खटखरी चौकी के यहाँ रिपोर्ट करने गए थे। वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम यह चाहते हैं कि मतलब हर लेडी जो ठीक है, मान लीजिए हमारे साथ कर रहे हैं तो हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, पर हमारे जैसे कई लेडीजों के साथ कर रहा है, कई मतलब लेडी को परेशान कर रहा है बार बार। हमारे पास बोल रही थी कि चाची आप भी चलिए तो हम भी साथ में चलेंगे, पर हमने सोचा कि हमारे साथ भी कोई कार्यवाही तो कर नहीं रहे हैं। हम बार बार आवेदन दे रहे हैं, कार्यवाही नहीं हो रही है, तो थोड़ा आप लोग इंतज़ार कर लीजिए, फिर हम बताते हैं, बात कर लें फिर बताएं। तो आपका डर है कि आपके साथ? हमें डर है कि देखिए कि कुछ हमारे साथ घटना हो सकता है। हमारे पति को धमकी देता है कि कहीं गली घाट में पास जाएंगे तो उनको जान से मार देंगे, आपको बेटी को आपको पाएंगे तो जान से मार देंगे। दोनों पत्रकार यही धमकी देते हैं? हाँ, दोनों पत्रकार यही धमकी देते हैं बार बार। एक प्रदुम शुक्ला है, एक पत्रकार उमेश पत्रकार है, उमेश मिश्रा। पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रही है, आपको क्या लगता है, क्या वजह? वो क्या है कि बोलता है कि हम पत्रकार हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, आप दौड़ती रहिए, कुछ होगा नहीं, आप कहीं भी जाएंगी आपकी सुनवाई कभी नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। तो हम ये चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। बार बार छेड़ता है तो ये आप बार बार, हम लोग भी आवेदन दे रहे हैं, कोई आवेदन देने में कोई फर्क नहीं हो रहा है, हम लोगों के साथ कोई मतलब न्याय नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग न्याय चाहते हैं। दो पीड़िता आई हैं आपके सामने, पहले भी आ चुकी है, दुष्कर्म का आरोप लगाई थी 3 लोगों के खिलाफ, एक और पीड़िता आई है जो भी कह रहे हैं कि उन्हीं लोगों ने छेड़छाड़ करी, क्या मामला सर, क्यों नहीं कार्रवाई हो पा रही? इसमें महिला थाने को और सिविल लाइन थाने को लगा रखा है। सिविल लाइन थाने में थाना प्रभारी और उनकी जो टीम है महिला सब इंस्पेक्टर के साथ में, वंदना शर्मा इस मैटर की पूरी जाँच कर रही है। उन्होंने जांच पर बताया हुआ है कि इसमें जो शिकायत कर रहे हैं जिस व्यक्ति के खिलाफ, वो उसके साथ में पिछले 6-7 साल से संपर्क में, संबंध में है, वो सबूत पेश कर रहा है कि वो शादीशुदा है और उसमें शादीवादी कर रखी है। इनको बता दिया गया है कि अगर कुछ तथ्य से निकल के आते इसमें कार्रवाई कराना चाह रहे हैं तो महिला थाना प्रभारी के द्वारा या सिविल लाइन थाने के द्वारा वहाँ कार्रवाई की जाएगी। जो भी तथ्य वैधानिक रूप से तस्दीक करने के बाद कार्रवाई हो जाएगी। दूसरा जो मामला बताया आपने, वो खटकरी चौकी से संबंधित बता रही है वो महिला, मैंने उनको अभी मामला को देख लिया है और वो जिस तरह के आरोप लगा रही हैं उस तरह महिला थाना प्रभारी को भी निर्देशित कर दिया है। और जाके अगर खरकड़ी चौकी में क्या मामला दर्ज हुआ है, क्या मामला दर्ज नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, सब तस्दीक करके आवश्यक कार्रवाई हो जाएगी। वो महिला बता रही है, उस संबंध में तस्दीक करके आवश्यक कार्रवाई कर लेंगे। ये जो यहाँ के दो पत्रकार हैं वो तस्दीक करके बात आ जाएगी। उसमें एक आवेदन पत्र में नाम लिखे हैं, नाम है नहीं लिखे, प्रदुमन शुक्ला और निवासी ये मऊगंज का है, और एक
प्रद्युम्न शुक्ला का नाम सर लिखा है, उसके खिलाफ इस रीवा वाली भी युवती ने शिकायत दर्ज कराया है, कहीं पत्रकारिता तो वाले नहीं आ रही। नहीं कोई नहीं, तथ्य हलफनामा बनवाया जा रहा है, कोर्ट में भेजा गया है, कॉम्प्रोमाइज का आवेदन बनवा रही हूँ, कह रही है महिला का कहना है कि पुलिस कहती है कि हलफनामा दे दो, नहीं परेशान करेगा। नहीं नहीं, सिंपल सी बात है, महिलाओं ने मेरे सामने भी आके बताया था कि वो जो पीड़िता है उसकी मदर का कहना था कि वो लोग हमारे यहाँ क्यों आते हैं, इस तरह की कुछ बात बताई उन्होंने जिसके कारण से हमारी नौकरी छूट गई है। कुछ तथ्य ऐसे बताए जो तथ्य आएंगे इन्वेस्टिगेशन में जांच के दौरान वैसी कार्रवाई हो जाएगी। दुष्कर्म की बात नहीं बताई सर, क्या पीड़िता ने? स्टार्टिंग में उस तरह की बात नहीं आई थी, स्टार्टिंग में दे रही थी सर पहले से। हाँ, तो इसलिए उसकी तस्दीक करने के लिए बता दिया गया है। पर निश्चित रूप से महिला थाने में और सिविल लाइन थाने में दोनों थाना प्रभारी मिलकर उस मामले की तस्दीक कर रहे हैं। जिस तरह की बात महिला ने बताई उसमें कुछ तथ्य ऐसे निकल के आए हैं कि वो कह रहा है संदेह, जिसके ऊपर संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि 6 साल से संपर्क में है, उसकी शादी हो चुकी है, वही तथ्य देखने के बाद कार्रवाई कर दी जाएगी। महिला दूसरी शादी की है सर, गलत की है, दूसरी शादी नहीं, नहीं 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 तो कर सकते हो, महिला स्वतंत्र है, महिला स्वतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। दूसरी तीसरी शादी अभी तक दर्ज नहीं हुआ, क्या वजह है? तस्दीक कर रही है महिला थाना प्रभारी के द्वारा, तस्दीक थाना और महिला थाना से संतुष्ट नहीं है पीड़िता, कहना है कि जो जो भी कारण होगा, जो भी तथ्य होंगे, तथ्य अनुसार कार्रवाई की जाएगी, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।